रहा वही तालाब जहाँ पे रावण नहाया करता था। ये जो आपको दिख रहा है ना पत्थर, कहीं ब्लैक कहीं वाइट, बजरंग बली आए थे तो चला दिया था, तो उसकी जो निशानी है ये देख। अभी उतना ऊपर जाना है यार, पासपोर्ट दिखाना पड़ता है सार्क कंट्री वालों को। देखो इतने ऊपर में, इतने चढ़ाई के ऊपर में भी ये पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, आप देख सकते। देख के ही ना गूज़बम्प्स आता है। ये सब जो ईंटे पत्थर है मतलब वो जला दिया गया था यहाँ पे। जैसे पास में जा रहे हैं ना वैसे वैसे ये और भी बड़ा होता जा रहा है। ये रहा रावण की लंका। जय जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। तो आज जो है हम जा रहे हैं रावण की लंका चढ़ाई करने, यानी कि सिगरिया। तो हम कैंडी से सिगरिया जाएंगे ऑटो में। तो चलो पहले चलते हैं, रास्ते में आपको जो भी होगा दिखाऊंगी मैं। बाकी रावण की लंका का तो पूरा डिटेल वीडियोस में आपको आज दूंगी, ऐसे ऐसे फैक्ट्स और ऐसे ऐसी स्टोरीज आपको पता चलेंगे कि आपको काफ़ी मजा आएगा। चलो ये रहा हमारा ऑटो तैयार। हमारा ऑटो है और हम जा रहे हैं रावण की लंका चढ़ाई करने। ये जो हमारे ऑटो वाले ओनर हैं वो कहते हैं कि रावण का मंदिर है, लेकिन हम कहते हैं वो रावण की लंका है। तो आज चढ़ाई करने जा रहे हैं। जय जय श्री राम। रावण की लंका के लिए निकल चुके हैं इस सॉन्ग के साथ, देख सकते हैं। जय जय श्री राम। सिगरिया फोर्ट मतलब रावण का महल, ये द सिक्योरिटी का। तो चलते हैं अंदर को। तो इधर टिकट ऑफिस लायन रॉक का, यानी कि रावण की लंका की। तो चले चलते हैं, कितने का टिकट है वो सारा मैं आपको बताती हूँ अंदर जाकर। तो चलिए अंदर चलते हैं। आप लोग बोल रहे होंगे कि आपने तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे बहुत सारे ट्रैवलर के कि ये तो टिकट काउंटर नहीं है, ये कैसा टिकट काउंटर जा रहे हो। तो हमारे जो ओनर है वो पीछे के साइड से टिकट काउंटर लेके जा रहे हैं। वो इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि उधर ना टूरिस्ट वाले को देख के वो लोग पीछे पड़ जाते हैं कि गाइड ले लो गाइड ले लो। तो इसलिए बोला कि आप लोग ठग मतलब आप लोग को ठग लेंगे, इसीलिए इधर से चलो। इधर से भी पीछे से जाता है तो इधर से कोई नहीं देखेगा। तो इधर से पीछे के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। बोलिए हम लोग टिकट काउंटर सिगरिया फॉरेस्ट टिकट का, ये है सिगरिया फॉरेस्ट टिकट का, ये है देखो। और ये सब सारा है तो देखते हैं यहाँ पे है ना। गाइस तो मैंने टिकट ले ली है, पासपोर्ट दिखाना पड़ता है सार्क कंट्री वाले को। और जो है हमें $15 डायरेक्ट आधा हो जाता है, और ऐसे एडल्ट्स का $30 है। तो हमें बच्चों वाले टिकट में मिल जाता है, $15 में हमें मिल जाता है। तो मैंने टिकट ले लिया है, कार्ड से मैंने पेमेंट किया क्योंकि मेरा तो कार्ड है उसमें एक भी फॉरेक्स नहीं लग रही, तो ले लिया है मैंने। अब चलते हैं रवाना केव का, जो रवाना फॉरेस्ट का मतलब, यार क्या ही बोल रही हूँ मैं। चलते हैं चढ़ाई करते हैं रावण की लंका में। आज बहुत दिन से मेरा मन था कि मैं यहाँ विज़िट करूँ, और आज फाइनली मैं विज़िट कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। उधर से एंट्रेंस मिलेगा आगे से ना। हाँ हाँ, मैंने बहुत वीडियो देखे हैं इसके। यहाँ से जाएंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। इतने हमारे इंडियंस लोग आए हुए हैं ना यहाँ पे, हमारे YouTube के ट्रैवलर लोग बहुत आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत हेल्प मिलता है उन लोगों से देखने से। तो चलिए चलते हैं पहले वहाँ पे आगे से। यहाँ से एंट्री है तो चलते हैं, एंट्री लेते हैं वहाँ पे, उसके बाद क्या है सीन देखते हैं। ये यहाँ पे दे रखा है, देख रहे हो कि बंदर अटैक कर सकते हैं, तो ये भी ध्यान आप रखना। मंकी बाइट कर सकते हैं भाई, मंकी बाइट करने फिर अभी हो जाता है। आगे होगा
ये भी पॉइंट वाली बात है। ये रहा रावण की लंका, और ये आसपास जो है बहुत सारे पानी के ऐसे बने हुए हैं, और हमें ऊपर चढ़ना है तो ऊपर चलते हैं। पहले जैसे पास में जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ये और भी बड़ा होता जा रहा है भाई। देखने में भाई क्या ही था ये, देख सकते हो। जैसे जैसे धीरे धीरे मैं पास जा रही हूँ, वैसे वैसे मुझे ये ना बहुत बड़ा दिख रहा है और भी। ये साइड बैक वाला साइड है, अच्छा आगे से होगा, तो चलते हैं पहले वहाँ पे। ऐसी सीढ़ियाँ है भाई, अब इतना ऊपर जाना है। देखते हैं अभी उतना ऊपर जाना है यार, अभी तो मैं आधा भी नहीं आई हूँ, 5% में आई हूँ अभी। यहाँ से इंट्रेंस स्टार्ट होता है, ये इंट्रेंस जो है आपको आधा और चढ़ने के बाद मिलता है ये इंट्रेंस। ये जो लंबी लाइन आपको दिख रही है ये वाली, यहाँ से लाइन लगी हुई है, यहाँ से धीरे धीरे करके जाएंगे। बट जो है ना वो मुझे बिना लाइन का बुला रहा है मेरा फ्रेंड, तो अब देखते हैं क्या होता है। आ रहे हैं, बाकी जो है इतनी चढ़ाई करने के बाद भी अभी थोड़ी और बाकी है, लेकिन पहले इधर चलते जिधर प्लेन प्लेन रास्ता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसका तो मुझे अभी कितना ऊंचाई पे ही नहीं पता, वो मुझे नेट पे देखना पड़ेगा, मैं मेंशन कर दूंगी। बाकी भाई जो ओल्ड एज वाले लोग हैं ना, वो बिल्कुल ना आए, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और काफ़ी ये जो है तालाब, मैंने सुना है कि यहाँ पे रावण नहाया करता था, जो तालाब दिख रहा है, और ऊपर में भी है, ऊपर में भी जाएंगे अभी। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, जूते उतार दिए, अब रावण के तालाब में थोड़ा सा पैर भिगाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी और इतना ऊपर की चढ़ाई थी ना। यहाँ पर मैं इसके बगल में बैठ जाती हूँ थोड़ा, यहाँ पर ये देख सकते इधर यहाँ तक पानी भरा हुआ। अब आप ही सोचो, इतने पहाड़ के ऊपर ये पानी तालाब बना हुआ है, तो ये ह्यूमन मेड ही लग रहा है ना आपको, मतलब कि जो राम जी का युग था उस टाइम का, रावण का लंका। ये देख सकते ये तालाब पहाड़ के ऊपर, मेरा जूता वहाँ है, इधर से इधर जाते हैं पहले, और मैं कहीं पेड़ के नीचे छाव में बैठ के सारा डिटेल में आपको बताती हूँ। काफ़ी गर्मी है, ये जो आपको दिख रहे काले काले पत्थर से, मुझे ऐसा लगता है, और मैंने एक जगह पढ़ा था, हमारे बजरंग बली जी ने यहाँ पे जलाया था ना, तो उसके छोटे छोटे से आपको यहाँ पे ब्लैक कलर से, बाकी ऐसा नहीं कि सारे ब्लैक है जो है ना, कहीं कहीं वाइट है, मतलब अगर मान लो अंदर वाइट रहता तो मान लेते कि चलो बाहर है इसीलिए काला हो गया, लेकिन वो बगल वाले भी कुछ कुछ वाइट है, और बगल वाले ही कुछ कुछ ब्लैक से हैं, तो इसलिए मुझे लगता है, और वो जो मैंने पढ़ा था वो मुझे सही लगता है। और ये ऊपर भी जाएंगे अभी उस पेड़ के नीचे बैठ के, आराम से मैं आपको बताऊंगी। ये तो मैं तालाब मैंने बहुत सारे ब्लॉग में देखा था बहुत सारे लोगों के, इसलिए मैं यहाँ आई थी, कहते हैं कि इसमें रावण नहाया करता था। और चलते हैं ऊपर, वहाँ पे और भी थोड़ा सा ऊपर जाना है, पेड़ के पास में बैठूंगी तब मैं आपको बताती हूँ। अब चलते हैं ऊपर देखते हैं कैसा है, क्योंकि ना यहाँ पे चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जाती, पानी का बोतल आप लोग ज़रूर लेके आएँ,
ऐसे मेरे फ्रेंड के पास है, उसी के पास मैं जा रही हूँ। वो रहा खड़ा है वहाँ पे, चलते हैं वहाँ। पहले रामायण में बताया गया है कि मतलब वो जला दिया गया था यहाँ पे, बजरंगबली ने जला दिया था यहाँ पे और वो गए थे, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस बन जाता है हम इंडियंस के लिए। और एक बार तो यहाँ पे विज़िट करना बनता है, मतलब 30-40 होते होते ना एक बार तो यहाँ पे आप विज़िट कर लो, क्योंकि क्या है ना कि एज जैसे जैसे ढल जाएगी वहाँ पे चढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी ऊपर है ना, इतना ऊपर कि आपको बहुत प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। और यहाँ पे आए तो पानी का बॉटल ज़रूर लेके आए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अभी जो है बस यही है, यहाँ पे एक पेड़ देखो इतने ऊपर में, इतने चढ़ाई के ऊपर में भी ये पेड़ है, ये है पीपल का पेड़ है, आप देख सकते हैं ये पीपल का पेड़ यहाँ पे है। और वो आपको तालाब तो देखा ही आपने, और ये सारा कुछ यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, और भाई यहाँ पे मतलब चढ़ाई भी करते हैं यहाँ पे, मतलब जो ओल्ड एज के लोग हैं उन लोगों को भी देखा मैंने यहाँ पे चढ़ाई करते हुए। और देखो इतने ऊपर में पेड़, आप सोचो कि ये सब जो ईंटे पत्थर है ये सब ह्यूमन मेड है, आप देख सकते हो कि कैसे बनाया गया है, और ये सब इतने ऊपर लाया भी गया है नीचे से। इतने जो हिस्ट्री है ना हमारी वो बहुत रिच है, जो कि ना हम कोई राइट पर्सन नहीं होते कि हम क्रिटिसाइज़ करें या मतलब जज करें कैसा क्या है, लेकिन आप देख सकते हो कि कैसा ये बना रखा है यहाँ पे, देखो कैसा ये बना रखा है, मतलब देख के ही ना गूज़बम्प्स आता है एकदम। यहाँ पे मेरा मन था ना कि मैं लाइफ में एक बार तो यहाँ आऊँ, और मेरा जो है ना आज सपना पूरा हो गया कि मैं मतलब जो हिस्ट्री था हमारे इंडिया में तो कभी भी घूम के देख सकते हैं, लेकिन श्रीलंका दूसरे कंट्री में आना एक बड़ी बात हो जाती है। तो मेरा मन था कि मैं आऊँ, तो आज मेरा पूरा हो गया, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो ये सब सारा ऐसा है, सबसे अभी जो है सबसे टॉप में है, और बाकी मैं आपको मैप भी दिखाती हूँ, मैप में कैसा है। मैप है मेरे फ्रेंड के पास, तो मैं दिखाती हूँ मैप उससे लेके। तो ये जो आप देख सकते हैं ये मैप है इसका, और ये जो हम लोग टॉप में हैं, और ये जो ये दिख रहा था ये अभी मैंने आपको दिखाया वो जो तालाब था, ये अभी हम लोग टॉप पे हैं। और तो यहाँ पे टॉप पे आने पे ना ये आपको पूरा श्रीलंका का वो घने घने जो फॉरेस्ट दिख रहे हैं वो सारा दिखेगा आपको यहाँ पे आने के बाद ऊपर पे है, वैसे ही है बिल्कुल। और वो रहा अभी यहाँ भी दिख रहा है, तो मुझे ना वहाँ पे फिर से जाना है, लेकिन फिर से ऐसे ऐसे उतर के जाना पड़ेगा, तो वो फिर ज़्यादा ही मुझे लगेगा। तो अभी खाली कुछ देर बैठ के फिर नीचे जाएंगे, क्योंकि अभी नीचे उतरने में भी दिक्कत होती है। हम लोगों ने काफ़ी देर यहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत रेस्ट किया, कम से कम एक घंटे के लगभग मैंने यहाँ हम लोग बैठे हुए थे। अब फिर नीचे जाएंगे धीरे धीरे, तो नीचे का देखते हैं कैसा कितना टाइम लगता है। हमें तो आने में लग गए थे 45 मिनट्स, तो अब जाने में कितना टाइम लगता है वो देखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं हम नीचे। अब जो है रावण की लंका भी घूम लिया, एक सपना पूरा हो गया देखा जाए तो। चलो तो अब ना मेरा एक था ड्रीम वो भी पूरा हो गया कि यहाँ पे चेक इन कर लिया रावण की लंका में। और ये देख सकते हो आपको जैसे कि ये सारा ये सबसे टॉप है ये वाला। और चलो चलते हैं नीचे, पेड़ तो देखो यहाँ पे इतने पहाड़ के ऊपर भी पेड़ है। देखो डग सॉरी मंकी, वो जो आपको दिख रहा है ना वो वाला, वो ये जो है ना जो रावणा प्लेस का जो ये उसके लायन रॉक के बगल का जो आपको छोटा वाला जो हमेशा आपने देखा होगा हर किसी के मोस्टली वीडियो में, तो वो उससे छोटा वहाँ भी लोग जाते हैं, और वहाँ पे सनसेट और सनराइज के टाइम में वो काफ़ी सही रहता है। तो देखते अगर वहाँ पे अगर जा पाए तो जाएंगे, वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी। नीचे नीचे जाना
जो आपको दिख रहा है ना पत्थर, कहीं ब्लैक कहीं वाइट सा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देख सकते हो। तो ऐसा ही बोला जाता है कि जब बजरंग बली आए थे तो यहाँ पे जो उन्होंने जला दिया था तो उसकी जो निशानी है ये देख सकते हैं, ब्लैक वाइट वाइट ब्लैक देख सकते हैं ये सब। तो ये सारा आपको जो है इसमें आपको पूरा देखने को ही मिल जाएगा, आपको ये आपको देखने को ही मिलेगा कि कैसा है। और बाकी हम लोग जो है कल हम लोग जाएंगे नुआरा एरिया, जहाँ पे नुआरा एरिया को बोला जाता है कि अशोक वाटिका है, जहाँ पे सीता माता को रखा गया था। तो वहाँ भी जाएंगे कल जाएंगे, लेकिन वो दूसरे जगह में है। तो अभी जो है अब हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो देखने लायक बहुत था, आप आ सकते हो। बाकी जो है ना कि आपको फर्स्ट टाइम में दिक्कत होगी चढ़ने में, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप चढ़ोगे, आराम से ही हो जाएगा आपका, चढ़ के आप आ सकते हो। तो एक बार आप ज़रूर विज़िट करो आते हो श्रीलंका तो, क्योंकि ये ना आप देखो ना यार, ये काला वाइट सब जगह है। और यहाँ पे जो है आपको बहुत थोड़ा सा बहुत अच्छा फील होगा, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती कि कैसा फीलिंग आता है वहाँ पे ऊपर चढ़ने के बाद। अगर आप मानते हो ना हिस्ट्री में कल्चर में, तो आपको एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। यहाँ पे जो है वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, वो केव का जो पेंटिंग है वो है। तो जाके देख के आते हैं कैसा है, अगर कुछ भी होगा तो मैं देखती हूँ लेनी फोटोग्राफी, मतलब मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए चलते हैं अंदर, चलो। रावण का सोने का महल से हम लोग वापस आ चुके हैं, और बाकी जो है कि रावण का जो है सोने की लंका वाला ब्लॉग, उसको मैं यहीं तक रखती हूँ। ये सोने की लंका वाला पूरा देखना, और जितना भी डिटेल दिया है वो सब आप चेक कर लेना, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब वगैरह करना, नहीं आए तो फीडबैक डाल देना कि क्या चीज़ अपग्रेड या कुछ करना चाहिए। तब तक चलते हैं फिर वहाँ पर, बाय।